और वहीं दूसरी तरफ एक खुशखबरी भी सामने आई जब रेसलर विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचे। विनेश फोगाट का मेडल अब पक्का हो चुका है। विनेश का ओलंपिक में गोल्ड या फिर सिल्वर मेडल पक्का हो चुका है। विनेश ने 5-0 से मैच जीता है, तो बहुत ही शानदार जीत विनेश की रही है। देखिए 5-0 से विनेश ने ये मैच जीता है और अब एक मेडल जो है सिल्वर या फिर गोल्ड मेडल जो है वो पक्का हो चुका है। हालांकि सबकी निगाहें जो है वो गोल्ड मेडल पर है। विनेश फोगाट ने बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया रिंग में। विनेश फोगाट ने 2016 में रियो ओलंपिक में अपना डेब्यू किया था, लेकिन तब पहले ही मैच में चोट के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा था। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में उन्हें सेमीफाइनल से पहले ही शिकस्त मिल गई थी। अब पेरिस में कमाल करते हुए वो ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी हैं। दिग्गज भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल में जगह बना ली है। विनेश ने 50 किलोग्राम भार वर्ग का सेमीफाइनल 5-0 से जीतकर फाइनल में जगह बनाई और इसके साथ ही एक मेडल भी पक्का कर लिया। इस तरह विनेश ओलंपिक में रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली महिला पहलवान भी बन चुकी है। विनेश ने सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर गुजमन लोपेज को 5-0 से मात दी है। इस बाउट का पहला पीरियड काफी फंसा हुआ रहा, जिसमें कोई भी पूरी तरीके से हावी नहीं दिखा। हालांकि इस दौरान विनेश ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। फिर दूसरे पीरियड की शुरुआत में विनेश ने लगातार दो दो पॉइंट्स बटोरे और आखिर में 5-0 की बढ़त हासिल कर ली। क्यूबा की रेसलर वापसी नहीं कर पाई और विनेश ने बाउट अपने नाम कर लिया।